तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख रहे थे कि कुछ वीडियो अपलोड हो रहा है जो बेसिकली नया वीडियो नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में एक नया वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या मजबूरी आ गई है, कितनी बड़ी मजबूरी आ गई है। आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आदमी एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को पार्क में हेल्प कर किया है, लड़कियों की शादी करवाई है, अपना घर अपना गाड़ी लड़कियों की दहेज में दे चुके हैं, उसके बाद इसके टीम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि शायद अगर किसी दूसरे के जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता तो वो सर्वाइव करने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन फिर भी हमारे भाई उठ के खड़े हुए हैं, अपने पैरों पे फिर से खड़े हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि दीदी साथ नहीं दी है, सीधी दीदी साथ दी है, पूरी तरह से साथ दी है, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि दीदी इन लोगों के साथ वीडियो नहीं बना रही है। आखिर रीज़न क्या हो गया है, कुछ तो रीज़न हुआ होगा, नहीं तो इतना अच्छा टीम, इतने सारे दोस्त, इतने भाईचारा, फिर क्या मुसीबत आया कि टीम को छोड़ के सब लोग, कुछ लोगों का देख रहे हैं कि बस चैनल चल रहा है, बाद बाकी लोग चैनल छोड़ दिए हैं। जैसे राहुल सिंह हुआ, वो चैनल छोड़ दिया, उसके बाद जो किंग ऑफ चंपारण यूट्यूब चैनल था तो उस चैनल पे भी देख रहे हैं कि जो भी वीडियो आ रहा है वो पुराने वीडियो ही आ रहा है। सुजीत भाई कुछ नया वीडियो ट्राई कर रहे हैं, जैसे अभी वीडियो आप लोग देख रहे हैं जिसमें दो लोगों की लोग किडनैप किए हैं और किडनैप करके पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे, शायद इसके डेस्टिनेशन पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वीडियो तो प्रैंक ही होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि पहले तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आया कि दीदी का जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ बात ये सामने आया कि दीदी की शादी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं रुका, बात आगे। अब पता नहीं कि ये लोग किस हिसाब से आगे की वीडियो शूट करेंगे, लेकिन अभी जो फार्मूला चल रहा है किडनैप करने का, तो ये भी फार्मूला कोई ख़राब नहीं है, कितना अच्छा तो फार्मूला है कि कहीं पर राही जो जाते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, उसको लिफ्ट देने के नाम पे हम लोग किडनैप कर सकते हैं, किडनैप करने के बाद उसको डेजिग्नेशन पे पहुंचा देंगे, लास्ट में जब डर के उसके फटके चार हो जाएंगे तब उसको बताएंगे कि आपके साथ तो हम लोग मजाक कर रहे थे, हम लोग एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, कितना मज़ा आएगा। ये चीज़ तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक्चुअल में हम रियल बात बता रहे हैं। देखो भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बुरा मत मानना, लेकिन रियल बात है कि अगर ऐसे वीडियो रहता है मज़ा बहुत आता है, क्योंकि हम पाकिस्तान वाले के कुछ वीडियो देखे हैं इसी टाइप का, जिसमें वो लोग तो गन सटा देते थे, लेकिन यहाँ पर तो अभी कम से कम नॉर्मल है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कुछ नया और कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है, कुछ मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।